ये है विक्की, जो पहले कभी एक अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था, यूं कहें तो अधीरा का राइट हैंड इंडिया में, मगर अब ये सारे बुरे धंधे छोड़कर एक आम आदमी की जिंदगी बिता रहा है। मगर इसे ये कहां पता था कि कोई मुसीबत। अरे सूरी, देख किसका फोन आ रहा है। अरे कहां मर गया, देख किसका फोन आ रहा। जाने कहां मर गए सबके सब। रिक्की, मैं इंडिया आ रहा हूं। इतने सालों बाद वो इंडिया क्यों आ रहा? मुबारक हो विक्की, मैं इतने सालों से जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था आज वो पूरा हो गया। अब हम भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बन जाएंगे। ओह माय, क्या हुआ विक्की? उसे पता चल गया है, तभी वो इतने सालों बाद इंडिया आ रहा है। क्या, किसे पता चल गया है कौन इंडिया आ रहा है? अधीरा। हमें अब पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस का कुछ नहीं कर सकती, उसे रोकना मुश्किल है, उस शैतानों का शैतान है। तो फिर हम क्या करें, कैसे बचाएं इसे? अगर ये उसके हाथ लग गया तो वो दुनिया तबाह कर देगा। प्रोफेसर, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं उसे कौन रोक सकता है। ऐसे दो शैतान हैं जो उसे रोक सकते हैं। कौन? Just wish he knew. क्या नाम से था? नंबर किस नाम से था? बड़े। ए बड़े, देख ना किसका फोन बज रहा है। बड़े, हाँ चला गया। देश को तुम्हारी जरूरत है। कारे छोटे? हाँ बड़े। किसका फोन आ रहा था? अरे यार, किसी विक्की का फोन था। विक्की का फोन? हाँ बड़े, कौन है यार? विक्की का फोन तो कभी ऐसे आता नहीं। चल चल छोड़, पी लें यार थोड़ी बड़े। चल, बड़े। मुझे पता है विक्की का फोन कभी ऐसे नहीं आता। चल छोड़, चल चल उठ। चलो कौन है ये विक्की? चल तुझे रास्ते में सब बताता हूँ। ये है टाइगर, अधीरा का लेफ्ट हैंड। विक्की, प्रोफेसर को लेके पुराने अड्डे पे पहुंचो, बहुत सीधा वहीं पर पहुंच रहे हैं। ठीक है।
विक्की, इसी बॉक्स में आयो। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में ये उसके हाथ में नहीं लगना चाहिए। हाँ प्रोफेसर, बस वो दोनों समय पर आ जाए। प्रलयम, सर्वनाशम विदक्युन्न महाप्रलयम। What I mean to say is, प्रलय आने वाला है। एक ऐसा प्रलय जो भूत, वर्तमान और भविष्य को बदल देगा। वो आ गया, तुम निकलो प्रोफेसर यहां से। मेरे देश की खुशबू, मगर अफसोस ये कुछ ही समय तक रहे, इसके बाद धुआं ही धुआं। Who will stop me? विक्की, मैं तुमसे बहुत खुश रहता हूं क्योंकि तुम मेरा समय बर्बाद नहीं करते हो। चलो अब जल्दी से बता दो, प्रोफेसर कहाँ है? बॉस, इतनी जल्दी क्या है, पहले आप आराम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद बैठ के बात करते हैं। विक्की, तुम जानते हो, जब से इस देश ने मेरा सब कुछ छीना है, तब से मैंने यहाँ का पानी तक नहीं पिया है। अब ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से बताओ प्रोफेसर कहाँ है। जी बॉस। मूसा, जाओ प्रोफेसर को लेके आओ। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। हाँ भाई विक्की बाबू, संभालो अपने प्रोफेसर को। तुम दोनों कौन हो? इस नातीज को कहते हैं बड़े मियाँ और इस चीज को छोटे मियाँ। विक्की, कहते तुमने इन दोनों को नहीं बुलाया है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ, मैंने इन दोनों को बुलाया है। तुम क्या चाहते हो, इस वायरस से मेरे देश को बर्बाद कर दोगे? विक्की, मैं इस देश को तो मिटाऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं तुमको मिटाऊंगा। का छोटे, इतनी तेज मुक्का मारा कि अभी भी नहीं उठ पा रहा है। बड़े लगता है कल की उतरी नहीं आई। इतनी मत किया कर, देख तेरा पेट किस निकल रहा है। ये सामने इतना भयंकर गुंडा खड़ा, देख वो देखा कभी इतना भारी गुंडा? पीता देखिए खेत तेरा। हाँ भाई, देखिए जनाब, हमको ये तो नहीं पता कि ये डिब्बे में क्या है, पर ये डिब्बे में जो कुछ भी है उससे हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है, और जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा उसको हम तुम्हारे हाथ में नहीं आने देंगे। बड़े, हमको लगता है दो तीन बोतल लेके आना चाहिए था। तुझे यहाँ भी पीने की सोच रही है? तुम दोनों का मजाक उड़ा रहा है। मूसा, मसल दो इन दोनों को।
छोटे ये तो पहाड़ है। बड़ी मैंने तुझसे बोला था कि तो वो तीन बोतलें लेके आना। अरे तुझे हमेशा पीने की क्यों पूछती है साले? अगर आप तुझे इसको मारा तो मेरी तरफ से दो बोतल की पार्टी। बड़े बड़े छोटे बड़े आदिरा गन निकाल। तू तू गन निकाल, गन लौट कर मारते इसे छोटे। रुक जाओ छोटे बड़े, इसे सजा कानून देगा। कोई बात नहीं विक्की, इस देश को जब भी हम दोनों की जरूरत पड़े तुम बेझिझक हमें याद करना। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बड़े? हाँ छोटे। बहुत मारा है, बहुत मारा है। चला तुझको दो तीन बोतलें पिलाते हैं। हाँ लगता है मुझे भी पीना पड़ेगा भाई। चल बड़े चलते हैं।